श्री राधे। हरे कृष्णा। मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एकादशी व्रत कैसे प्रारंभ हुआ, भगवती एकादशी कौन है, इस संबंध में पद्म पुराण में कथा है कि एक बार पुण्यलोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाले एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया। एकादशी व्रत उपवास करने का बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें, नींबू जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा या करूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम कृष्ण नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्यनारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर शलजम गोभी पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला आम अंगूर बादाम पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा यथाशक्ति देना चाहिए। व्रतधारी को क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। व्रत त्योहार धर्म से जुड़ी वीडियोस लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति रुचि रुचि भोग रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवारजनों को शेयर करें, कृष्णा भक्ति परिवार के सदस्य बनें। धन्यवाद। राधे राधे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।